नमस्कार, स्वागत है आपका एजीबी इंडिया में। काफ़ी समय से सरकारी अधिकारी कर्मचारी स्वयं के ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे थे, उनका यह इंतजार खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने 2022-23 हेतु स्थानांतरण नीति को अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदित स्थानांतरण नीति इस प्रकार है। मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र वर्ष 2022-23 हेतु नीति को अनुमोदित कर दिया है। यह स्थानांतरण नीति केवल वर्ष 2022-23 के लिए है। स्थानांतरण दिनांक 30 जून 2022 तक किए जा सकेंगे। समूह क एवं ख के अधिकारियों द्वारा जनपद में 3 वर्ष तथा मंडल में 7 वर्ष पूर्ण किए जाने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है। समूह क एवं ख के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20% एवं समूह ग एवं घ के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10% तक की सीमा तक किए जा सकेंगे। समूह ख एवं ग के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। समूह ग के कार्मिकों के पटल परिवर्तन अथवा क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासनादेश दिनांक 13 मई 2022 को कड़ाई से अनुपालन किए जाने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला योजना से संबंधित जनपदों एवं बुंदेलखंड के समस्त जनपदों में तैनाती करके सृष्टिकरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, सभी प्रकार के अपडेट्स और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि विश्वसनीयता के साथ सभी कंटेंट चैनल पर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।